يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह जी सुभानअल्लाह हजरत जिवकारी थे जनाब हाफिज मलिक मोहम्मद बिलाल तनवीर साहब जो अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक से हमारी आज की इस पाक बज़म की दूसरी नशस्त का आगाज कर रहे थे। हजरत जिवकारी आपकी नेकी तमाम हफ्तों में आपकी खिदमत में अगले सना खान को पेश करता हूँ। जनाब हाफिज सैफ अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और नाते सरवरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुलूब पर जंग नफर फरमाएं। हजरत जिवकारी जितना इज्तिमा है कम अज कम उतनी आवाज आनी चाहिए। नारा तकबीर इंज नहीं सुनियो जरा गज के नारा लाओ। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी नारा गौसिया सना खान मुस्तफा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habibullah sallallahu alayka ya ya Habib Allah teri nisbat se hai tauqeer mere logo mein teri nisbat se hai हो तो मेरे साथ में रखा क्या है और आओ आओ के आओ आओ के मदीने के फकीरों से मिले आओ देने के फकीरों से मिले इन बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है और अजीब फैज है आका तेरे मोहब्बत का दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद सवर जाऊं दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद सवर जाओ लोग मुश्किल में जमाने के तरफ देखते हैं
हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं और कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए के लो मदीने के तजल्ले से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने के तजल्ले से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपने अपने जी कश्तियाँ अपने किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो वो हम मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो वो हम मोहम्मद के तराए हुए हैं, हाजिरो नाजिरो हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, और कब्र की नींद से कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, फकत इतना सबब है इनका दे बस में माशर का, के उनकी शान महबूबे दिखाई जाने वाले है, हम तो मैं शर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो मैं शर में आए हुए हैं, और
और सर पे रख दे जिए सर पे रख दे जिए जरा दस्त तसल्ले आका सर पे रख दे जिए जरा दस्त तसल्ले आका गम के मारे हैं जमाने के सताए हुए हैं गम के मारे हैं जमाने के सताए हुए हैं और नाम आने से नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं और क्यों ना पलड़ा क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का फारे हो नसीर क्यों ना पलड़ा पलड़ा जी क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का फारे हो नसीर अब तो मीज़ान पे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसे फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है मेरे आमाल न तोलो ठहरो पहले देखो हाँ पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है अब तो मीज़ान पे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं क्यों न पलड़ा पलड़ा जी क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारे हो नसीर अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए माशाल्लाह जी सुभानअल्लाह हजरत जी वकार ये थे जनाब हाफिज सैफ अली साहिब तनवीर भाई काबा भी कुछ कहता है अली की शान में हक का हकीकतन मुझे हामिल बना दिया हक का हकीकतन मुझे हामिल बना दिया महफिल में वजह रोने के महफिल बना दिया पैदा हुए अली तो बोला खुदा का घर या अली तूने मुझे तवाफ के काबिल बना दिया हजरते जी वकार बिला तमहीद अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए दावत ना देता हूँ भरपूर नारों की गूंज में नहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब तनवीर हुसैन ताहिर गोलनी साहब से कि आप तशरीफ लाए और नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुलूबो जहान को मुनव्वर फरमाएं नारा तकबीर सोने अंजनी जरा गज के नारा लाओ नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया सना खाने मुस्तफा
سارے حضرات ایک واری جڑے عرصے مقدس دی محفل وچ حاضر ہو ذوق شوق دے نال حضور دی بارگاہ وچ درود شریف دا نذرانہ پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مکہ میں عمرہ کرنا تھا وہ کر لیا جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا اب مدینے سے دور گوارا نہیں اب مدینے سے دور گوارا نہیں عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے اب مدینے سے دور گوارا نہیں اب مدینے سے دور گوارا نہیں عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے
कहे काश सरकार एक बार मुझसे कहे अब तेरा मरना जीना मदीने में है मेरे आका का रोज़ा मदीने में है जब नजर सुवे ते परवाना हुई साथ दिल भी गया साथ जा भी गई साथ दिल भी गया साथ जा भी गए मैं मुनीर अब रहूंगा यहाँ किस लिए मेरा सारा असासा मदीने में है मैं मुनीर अब रहूंगा यहाँ किस लिए मेरा सारा असासा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है कह दो सुभान अल्लाह वो समझ ना लगी कह दो सुभान अल्लाह कह दो तुहाडे मानमे च भी विश्वास दर्ज होना चाहिए आखो सुभान अल्लाह 11वीं शहीद सिलसिले चौके और से मुकद्दस सी महफिल और सरकार गौस बाग दे मैं शान चंद शाह पेश करके अपनी हाजरी मुकम्मल करने की कोशिश करना गौसुल आजम शाहे जिला मंजदार में नैया है गौसुल आजम शाहे जिला मंजदार में नैया है सदका मौला अलिया पर लगा जा ओ सदका मौला अली आ नैया पर लगा जा ओ सदका मौला अली आ नैया पर लगा जा ओ मैं पीर के काबिल हूँ दुख दर्द कमारा हूँ फरिया सुनो इमदाद करो आखिर मैं तुम्हारा हूँ करो नजरे करम मेरा या मीरा करो नजरे करम मेरा मेरी बात बना जाओ करो नजरे करम मेरा या मीरा करो नजरे करम मेरा मेरी बात बना जाओ सदका मौला अली आ मौला अली आ नैया पर लगा जाओ दुनिया में बता दीजो अब कौन हमारा है अब राहे खुदा सुन लीजे मैंने तुमको पुकारा है अब राहे खुदा सुन लीजे मैंने तुमको पुकारा है हसनैन के जाने हो तुम जानी हो हसनैन के जाने हो मेरी लाज निभा जाओ हसनैन के जाने हो मेरी
मेरी लाज में बजाओ, सदका मौला अली नैया पर लगा जा, ओ सदका मौला अली नैया पर लगा जाओ, बर्बाद मुझे कर दे तूफान का इरादा है, कश्ती मेरी डबोने को हर मौज अमाता है, मजबूर बहुत हो मैं या मीरा, मजबूर बहुत हो मैं ऐसे में तुम आ जाओ, मजबूर बहुत हो मैं ऐसे में तुम आ जाओ, सदका मौला अलिया नैया पर लगा जा, ओ सदका मौला अलिया नैया पर लगा जा, खाकी पे शहदी लाम रहमत की नजर हो, सांस रुकने लगा आया वक्त अजल, मीरा को खबर कर दो बख्शिश मेरी हो जाए, या मीरा बख्शिश मेरी हो जाए, सूरत तो दिखा जाओ बख्शिश मेरी हो जाए, सूरत तो दिखा जाओ, सदका मौला अलिया नैया पर लगा जाओ, गौसुल आजम शाहे जिला मंजदार में नैया है, सदका मौला अलिया नैया पर लगा जा, ओ सदका मौला अलिया नैया पर शफकत शुजात कवाल से दरख्वास्त है कि ब्राय मेहरबानी आप स्टेज के ऊपर तशरीफ लें। शफकत शुजात कवाल वाम नवाब से दरख्वास्त करता हूं कि ब्राय मेहरबानी आप स्टेज के ऊपर तशरीफ लें। हजरत जीवाकार बिला तमहीद अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए दावत खिताब देता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल रशीद चिश्ती साहब, जो कि हमारी आज के इस बज़म में रावलपिंडी से तशरीफ लाए। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ब्राय मेहरबानी आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में अपने खिताब लाजवाब से हमारे क्लूब अजान को मुनव्वर फरमाएं। आने वाले मेहमान से कबल भरपूर किस्म का नारा लगा दे, नारा तकबीर सुनो सच्ची दसो सच्ची नटे लाना लांदे खांदे सरकार दो ते गाओ भी सरकार दे जरा काज के नारा लाओ, नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما با آواز بلند
मुहब्बत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच सलात व सलाम दा नजराना अकीदत पेश करो। इस तरह मुहब्बत दे नाल पेश करो कि इधरों सलात व सलाम दा नजराना तुसा आका करीम दी बारगाह च पेश कीता और उधरों आका अलैहि सलात व सलाम मदीना पाक दी रवानगी आस्ते तुहाडे आस्ते परवाना जारी फरमा दे। इतनी मोहब्बत नाल सलात व सलाम पढ़ो कि राती सवो ते अख सरकार नाल लग जाए। मोहब्बत नाल कह दियो सुभान अल्लाह। बावाजी बुलंद एक मरतबा फिर कह दियो सुभान अल्लाह। ऐ जिहड़ी अगे थोड़ी जगह खाली है ना, ए बराए मेहरबानी अगे तशरीफ ले आओ, जितना जल्दी अगे आओ इतना जल्दी सरकार तुहानू अपना दीदार करा देगा। सरकार दे नाम दा एक एक कदम अगे चल के आ जाओ, थोड़ी जी जिहड़ी जगह पूरी कर लो ताकि बाद विच जिहड़े आने वाले ने उन्हां वास्ते कोई मुश्किल ना बने, ताकि तुहाडे उत्तों कन्ना फलांगने होए अगे तशरीफ ना लियान, तुसीं अगे अगे थोड़े तशरीफ लियाओ। ते मुहब्बत दे नाल इक दफा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सलम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा फिर सल्लल्लाहु अलैका या सुभान अल्लाह। सदके जावां तुहाडे ज़ौक बाबा दे बुलंद इक दफा कह रहे हो। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शद मन विच नफी असबात दा पानी मिले आ ते हर रगे हर जाई ते अंदर बूटी ए मुश्क मचाया ते जान फलने पर अपने अपने मुर्शिद का तसव्वुर कर ले और सोने मुर्शिद का तसव्वुर करके मेरे साथ पढ़े। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे
मुर्शिद कामिल बाहू सोना मुर्शिद कामिल बाहू सोना मुर्शिद कामिल बाहू जीवे मुर्शिद कामिल बाहू ते जिसे बूटी लाई हम्दो सलाम के बाद मेरे निहायत ही वाजिब एहतराम पीरे तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब कादरी हमदानी नुशाही दामत बरकातुमुल कुदसिया ज़ेबे आस्ताना आलिया बाहिया शरीफ चकबली खान अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज फकीर इसी आस्ताने से फैजियाब है। चौहत्तर या पचहत्तर की तारीख में 1974 75 76 जब हजरत पीर सैयद चंद पीर शाह कादरी नुशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात थे और मेरा बचपन का जमाना था और उस वक्त डाली आपके घर मुबारक से चल के यहाँ दरबार शरीफ पे आया करती थी और उस वक्त नाथखानी हुआ करती थी महफिले समा भी होती थी वहां हवेली में ही। तो ये हजरत पीर चंद पीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज मुबारक है कि जो मैं आज आप हजरात के सामने खड़ा हूँ। मुख्तसर से वक्त में चंद एक मारूजात आप हजरात की गोश गुजार करूंगा लेकिन आप हजरात ने मेरा साथ देना है और सुभान अल्लाह कहना है। क्या कहना है? आवाज बहुत कम आई है, एक मरतबा फिर कहें बावाज़े बुलंद कहें। जिन्होंने सरकार का लंगर खाया है ना उतनी बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जिस जिसने सरकार का लंगर खाया है वो हाथ खड़ा करके कहे सुभान अल्लाह। कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने अभी लंगर नहीं खाया। जिस जिसने लंगर खाया सरकार का हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी पता चल जाए कहें सुभान अल्लाह। हाथ बाहर निकाल गए। मैंने पढ़ना है रब का कुरान और आपने इसी तरह मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना है। चंद वक्त थोड़े से लम्हात में मैं चंद एक गुजारिशात पेश करूंगा फिर उसके बाद महफिल समा शुरू हो जाएगी। मुल्क पाकिस्तान के नामवर तवाल हजरात जहां तशरीफ फरमा हैं वो आका करीम की बारगाह में अपने अंदाज में आका की मदा सराई करेंगे। मैं नसर में आका की मदहा करूंगा ये नजम में आका की मदहा करेंगे। मैं कुरान पढ़ के आका की मदहा करूंगा ये नजम में आका की मदहा करेंगे। आपने दाद इसी तरह देनी है मोहब्बत से कहना है सुभान अल्लाह। जो आयत मुबारका मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु जब मैं हाथ बुलंद करूं आपने सुभान अल्लाह की सदा लगाना। ऐ ईमान वालों आज हर कोई ईमान का ठेकेदार बना हुआ है कि हम ईमान वाले हैं। हर कोई कहता है कि हम ईमान वाले हैं लेकिन ईमान वाला वो है जिसे रब कहे कि ये ईमान वाले।
हर कोई कहता है कि मैं ईमान वाला हूं, लेकिन ईमान वाला वो है जिसे रब कहे कि ये ईमान वाला है। कौन ईमान वाला? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ये इतना प्यारा अलकाब, ये इतना प्यारा खिताब रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के सदके अपनी महबूब की उम्मत को अता फरमाया, अपनी उम्मत को, महबूब की उम्मत को रब्बे जुल जलाल ने यह खिताब फरमाया कि ऐ ईमान वालों। वरना कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के देख लो, अलहमद से लेकर वन्नास तक अल्लाह तबारिक व तआला ने जितने भी अंबिया इकराम का जिक्र कुरान मजीद में किया, रब्बे जुल जलाल ने उनका नाम लेकर उनका जिक्र किया, आदम अलैह सलातो व सलाम का जिक्र किया, या आदम कहकर जिक्र किया, नूह अलैहि सलातो व सलाम का जिक्र किया, या नूह कहकर पुकारा, हजरत ईसा अलैहि सलाम को पुकारा, या ईसा कहकर पुकारा, हजरत जकरिया को पुकारा, या जकरिया कहकर पुकारा, हजरत यहया को पुकारा, या यहया कहकर पुकारा, हजरत मूसा को पुकारा, या मूसा कहकर पुकारा, अल्लाह की बंदी को पुकारा, या मरियम कहकर पुकारा। लेकिन कुर्बान जा, जब बारी आई ना मेरे और आपके आका की, जब बारी आई ना मेरे और आपके आका की, मदीने के ताजदार, गरीबों के गमखार, यतीमों के मलजा और मावा, यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत फेरने वाला आमना के लाल की जब बारी आई, रब्बे जुलजलाल ने कुरान मजीद, कुरान मजीद में फुरकान हमीद में जहां भी महबूब का जिक्र किया है, महबूब को प्यारे अलकाब के साथ याद फरमाया, महबूब को प्यारे अलकाब के साथ याद फरमाया। कहीं रब्बे जुलजलाल ने फरमाया या अयो हर रसूल, कहीं रब्बे जुलजलाल ने फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन लमिनल मुरसली, कहीं रब्बे जुलजलाल ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं रब ने फरमाया या अय्युहल मुद्दसिर, कहीं रब्बे जुलजलाल ने फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा। कुर्बान जाऊं, रब तो कुरान में अपने महबूब की कसमें खाता है, कहीं महबूब के जमाने की कसम खाता है, कहीं महबूब की जवानी की कसम खाता है, कहीं तेल की कसमें खाता, कहीं इंजीर की कसमें खाता, रब का कुरान पढ़ ले। आज हम रब का कुरान ही पढ़ेंगे, कुरान से महबूब की तारीफ बयान करेंगे। रब्बे जुलजलाल फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन, मुझे इंजीर की कसम,
رب کہتا ہے مجھے انجیر کی قسم والتین والزیتون مجھے زیتون کی قسم محبت سے آپ کہیں سبحان اللہ اب والتین اور والزیتون انجیر کی قسم کیوں کھائی اور زیتون کی قسم کیوں کھائی انجیر کی قسم کیوں کھائی زیتون کی قسم کیوں کھائی یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے اچھے فروٹ دنیا میں موجود ہیں بڑے میٹھے میٹھے فروٹ ہیں آم ہے آم جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے آم کو میں نے عرض کی ہے خالق کائنات تو نے آم کی قسم کیوں نہ کھائی جو میٹھا ہے پھلوں کا بادشاہ ہے اس کی قسم کیوں نہ کھائی اور تیل ہے بڑے بڑے خوبصورت تیل ہے خوشبودار تیل ہے بڑے اچھے اچھے تیل ہیں یا اللہ اس تیل کی تو نے قسمیں کیوں نہ کھائی بڑے خوشبودار تیل ہے تو نے زیتون کے تیل کی قسم کیوں کھائی ہائے ہائے رب ذوالجلال نے فرمایا والتین والزیتون مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم یا اللہ تو نے انجیر کی قسم کیوں کھائی کیا کوئی زیادہ میٹھا پھل ہے اس لیے قسم کھائی رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں میں نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر میرے محبوب کے لبوں کے ساتھ لگ گیا میں نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر میرے محبوب کے لبوں کے ساتھ لگ گئی مجھے یہ پھل پسند آ گیا میں نے انجیر کی قسم کھا لی والتین یا اللہ پھر زیتون کی قسم کیوں کھائی بڑے بڑے خوشبودار تیل موجود ہیں تو نے زیتون کی قسم کیوں کھائی رب ذوالجلال نے فرمایا بے شک بڑے بڑے خوشبودار تیل موجود ہو لیکن مجھے ان کے ساتھ مطلب نہیں مجھے زیتون کے تیل کے ساتھ مطلب ہے میں نے عرض کیا مولا کیوں آواز آئی اس لیے کہ انجیر میرے محبوب کے لبوں کے ساتھ لگ گئی اور زیتون میرے محبوب کی زلفوں کے ساتھ لگ گیا انجیر محبوب کے لبوں کے ساتھ لگی میں نے انجیر کی قسم کھا لی زیتون محبوب کی زلفوں سے لگ گیا میں نے زیتون کی قسم کھا لی اور رب فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد نشائی صاحب لا اقسم بهذا البلد ہمارا نوشائی صاحب کے ساتھ بھی بہت پرانا یارانہ ہے راول پنڈی میں سب سے پہلے ہم نے محفل نعت کا آغاز کیا سب سے پہلے ہم نے راول پنڈی میں محفل نعت کا کل پاکستان محفل نعت کا آغاز کیا تھا الحمدللہ پھر آج گلی گلی کوچہ کوچہ کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی نگر نگر محفل میلاد کی محافل منعقد کی جا رہی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد محبوب مجھے اس شہر کی قسم اب سورہ بلد ہے یہ مکی سورت ہے سورہ بلد ہے یہ مکی سورت ہے تو پھر ترجمہ کیا ہوا اس کا کہ محبوب مجھے مکی شہر کی قسم اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد
البلد اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم میں نے عرض کی مولا اس شہر مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائے جا رہا ہے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے کیا یہاں پہ بیت اللہ ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے یا یہاں پر بیت اللہ میں حجر اسود جنتی پتھر نصب ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے یا اللہ یا یہاں پر مقام ابراہیم ہے جہاں پر مصلی بنا کے حاجی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے یا اللہ یہاں پر صفا مروہ ہے صفا مروہ ہے کون سی صفا مروہ غور کرو نا غور ہم جو اللہ والوں کی یہ یاد مناتے ہیں نا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یہ ہم جو اللہ والوں کا عرس کرتے ہیں ان کی جو یادیں مناتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق مناتے ہیں اللہ کا حکم ہے میرے بندوں کو یاد کرو میرے بندوں کو یاد کرو جن پر میں نے انعام کیا ہے انہیں یاد کرو اور یہ صفا مروہ کیا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اور نشانیاں کیوں بنی ایک اللہ کی بندی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی ایک اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ صفا پہ دوڑی اور مروہ پہ دوڑی اور دوڑی کیوں یا پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی پانی تلاش کرنے کے لیے رب کو اپنی بندی کا دوڑنا پسند آیا اللہ کو اپنی بندی کا دوڑنا پسند آیا رب ذوالجلال نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں بنا دیا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جس مقام پر اللہ والے اپنا قدم لگا لیتے ہیں وہ اللہ کی نشانی بن جایا کرتا ہے جہاں پہ اللہ کے مقبولوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ پھر عام جگہ نہیں رہتی وہ اللہ کی نشانیاں بن جایا کرتی ہیں وہ شاعر اللہ بن جایا کرتی ہیں اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں تو میں نے عرض کی مولا تو نے اس مکے شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ یہاں پر صفا مروہ ہے شاعر اللہ ہے اس لیے قسم کھائی یا یہاں پر مقام منا ہے مقام میدان عرفات ہے میدان مزدلفہ ہے اس لیے قسم کھائی رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں نہیں میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پہ میرا گھر بیت اللہ میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر حجر اسود نصب ہے میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر بیت اللہ ہے میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر صفا مروہ ہے ارے میں نے قسم اس لیے کھائی ہے محبوب وانت حل بهذا البلد محبوب میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر نے تیرے قدموں کے بوسے لیے اس شہر نے تیرے قدموں کے بوسے لیے تو شاعر کیا کہتا ہے شاعر بولا تو کیا کہتا ہے کہتا ہے رب آنکھیا سونے محبوبا سونیا محبوبا تیرے سو سو ناز اٹھانا رب آنکھیا سونیا محبوبا تیرے سو سو ناز اٹھانا
हालों की मेरियां कसमा खांदे ने लोकी मेरियां कसमा खांदे ने मैं तेरियां कसमा जाना या अय्युहल लजीना आमनु तक्कुल्लाह दुनिया आखे कि फलाना ईमानदार है फलाना ईमानदार है या मैं ईमानदार हूं ओ ईमानदार नहीं ईमानदार है जो अल्लाह आखे के ईमानदार है जिसे अल्लाह कहे के ईमान वाला वो ईमान वाला और कुर्बान जाऊं ये प्यारा खिताब जो है ये प्यारा खिताब ईमान वाला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में 84 मकामात पर अपने महबूब के गुलामों को ईमान वाला करार दिया और जितने भी अच्छे काम है ना अल्लाह ताला ने ईमान वालों के सुपुर्द किए जितने भी अच्छे काम अच्छे काम जितने भी हैं अल्लाह ने ईमान वाले के सुपुर्द किए अब देख ले कि कौन ईमान वाला है कौन नहीं अच्छे काम अल्लाह ने सारे ईमान वालों के सुपुर्द किए नमाज अच्छा काम है अल्लाह ने ईमान वालों के सुपुर्द किए या अय्युहल लजीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला ईमान वाले हो सबर और नमाज से मदद मांगो सबर और नमाज से मदद मांगो आज हम किसी अल्लाह वाले से मदद मांगते हैं ना तो लोग शिरक के फतवों की बुछाड़ शुरू कर देते हैं कि ये अल्लाह वालों से ये मदद मांग रहे हैं ये तो शिरक हो गया कि ये तो शिरक हो गया अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं ये तो शिरक हो गया कि अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह से मदद मांग रहे हैं ओ कम अकलो अल्लाह ने तो ईमान वालों से कहा है कि सबर और नमाज से मदद मांगो क्या सबर अल्लाह है या नमाज अल्लाह है अल्लाह खुद गैरुल्लाह को कह रहा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगो सबर अल्लाह तो नहीं ना नमाज अल्लाह तो नहीं ना नमाज है जो जाहरी इबादत है नमाज है जो जाहरी इबादत है और सबर वो है जो बातनी इबादत है नमाज तो अफाल आप अदा करेंगे तो पता चलेगा ना लेकिन जो सबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान कर्बला में किया है पता चलता तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों नमाज से मदद मांगो सबर से मदद मांगो जब रोजे की बारी आई रब्बे जुलजलाल ने फरमाया या अय्युहल लजीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लजीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून रोजे अच्छी बात है रब ने ईमान वालों के सुपुर्द किए कि ईमान वालों तुम रोजे रखो नमाज ईमान वालों तुम पढ़ो जकात ईमान वालों तुम दो हज जकात हज कर ईमान वालों तुम करो लेकिन एक और काम भी है जो ईमान वालों के सुपुर्द है जो ईमान वालों के सुपुर्द है बेईमानों को नहीं कहा रब ने बेईमानों को नहीं कहा ईमान वालों को कहा ईमान वालों नमाज पढ़ो ईमान वालों ज़कात दो ईमान वालों रोजे रखो ईमान वालों हज करो अब एक और काम है जो रब ने ईमान वालों को ही कहा है बेईमानों को नहीं कहा उसमें रब खुद भी शरीक है उसमें रब खुद भी शरीक है इन्नल्लाह व मलाइकतहु يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا
याद कर लो ये सबक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाह भी दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे नबी पर दरूदो सलाम भेजो। या अल्लाह हम तो तेरे नबी पर दरूदो सलाम भेजते हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं दरूदो सलाम ना भेजो, दरूदो सलाम ना भेजो। रब ने फरमाया मैंने उन्हें कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ईमान वालों को है, मैंने तो कहा ही ईमान वालों को है, ईमान वालों तुम मेरे नबी पर दरूद और सलाम भेजो। और यहाँ भी रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की जमात में शामिल हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लो, अल्लाह वालों के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह वालों के साथ अपनी निस्बत कायम कर लो, उनके साथ अपना ताल्लुक बना लो। क्यों? कि जब तुम अल्लाह वालों के साथ निस्बत बना लोगे तो फिर तुम शैतान के शर से महफूज हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह इलाही जलाल में कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ज़ीबकार महफिल समा का बाकायदा आगाज शफकत हुसैन शुजात हुसैन कवाल और अमनवा जो दरबारी कवाल हैं इस दरबार शरीफ के, वो जो हैं वो आज की इस महफिल की इब्तिदा कर रहे हैं जनाब शफकत हुसैन शुजात हुसैन और अमनवा। Yeah.
Thank you.
इजाजत है हुजूर। अच्छा हो या बुरा हो देता है सबको मौला, काफिर हो या नमाजी देता है सबको मौला, काफिर हो या काफिर हो या नमाज। या रसूल अरबी खत्म रसूल खुदा है तेरी जात में लौला कलेमा
खुद हक ने कहा जे कोई मिले मदीने दा हराही मैनू अगे उस दे अर्ज गुजार ओदे कदमां दी धूल नू रब जाने ओ चुम चुम के अखी नल लावनिया चुम के अखी नल ला मैं देवा सुनेड़ा रो रो के मैं देवा सुनेड़ा बिस्मिल्लाह रो रो के तैबा दिया सर्द हवावां कोई जाखो सोने मदनी दुखियां वाल मोड़ निगाह क्योंकि साडे सिलसिला तरीकत दा उर्से मुबारक है ग्यारहवीं शरीफ दे हवाले नाल ते सरकार मोहम्मद मुस्तफा नाल मुर्शिद साईं सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नाल ते सारे प्यार करदे ने पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नाल ते हुजूर सारे प्यार करदे ने जिन्ना नाल मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने प्यार कीता मैं उन्हां दी नाचनी सुना रहा हजूर जिन्ना नाल सरकारे दो आलम ने प्यार कीता ना ते अपने कलमे गुमा नु दसया कि अगर मेनू खुश करना चाहंदे हो मेनू अजरे रसालत देना चाहंदे हो ते फिर मेरी आल नाल प्यार करया क्योंकि सरकारे दो आलम नाल हर कोई प्यार करदा है सरकारे दो आलम नाल हर कोई प्यार करता है जिन्ना नाल सरकारे दो आलम ने प्यार किया उन्हां दी बात पेश कर रहे हैं सबाहल कम दीवाने सबाहने कमली वाले से कहना सबाल दिल कमली वाले से कहना अनोखे से कहना निराले से कहना कोई जा आके सोने मदनी लाज दी
जदों पाक हुसैन बादशाह ने साबित किया ना रसूल किस तरह हुसैन दे विचों जिन्हें चढ़ के कुरान पढ़िया
पीरो मुर्शिद दा हर कोई मुरीद हर कोई तालब अपनी अपनी आस मुराद दिल विच लेके आउंदा है ते इस तो वड्डा वाहदाहू ला शरीक की कसम इस तो वड्डा वास्ता खुदा मनदा ही कोई नहीं और इस तो वड्डा वास्ता है ही कोई नहीं जेड़ी गल मैं दस लगा अपने पीर भाइयों नू क्योंकि मेरा हक बनदा मैं थोड़ी थोड़ी गल भी सुनांदा जावां मैं इस दसदा नौकर हां इन्हां दी करम नवाजी है कि मैनू ना चीज नू गल नाल लाया इन्हां दी बादशाही है इन्हां दी करम नवाजी वास्ता ओहदा देना चाहीदा जिहड़ा हालत मन लवे जिन्हें नाजम का चाड़ी का पुराण बढ़िया खुदा बख्श देवे जे नाने दी उम्मत खुदा बख्श देवे जे नाने दी उम्मत मैं असगर जाए गुलबदन वार देवा जदों पाक हुसैन अपने घर का एक एक फूल वार दिता ना पाक रसूल के नाम तो उस खाल के हकीकी दे के वे आखरी सजदा कीता है मेरे पाक इमाम अली मुकाम अलैहि सलातो व सलाम ने ते खालक ने आख्या है राजिया तन मर्जिया ऐ मेरे हुसैन मैं जो पाक हुसैन ने सारे फुल वार दिते ने छह
6 महीने हर चीज हुसैन ने जो बारी मौला असगर की बारी आई असगर तो पाक इमाम ने हाथों से चाहे जिन्हें रेल के कुरान मुर्शिद इमाम अली मुकाम ने अली असगर इवें चाहे जिन्हें हाथों से कुरान है उस असगर दे वास्ते विच तुहानू रुबाई पे सुनाना अली माशा दिया के प्यारे प्यारे प्यार का सदका साजी शहंशाह शहीद शहीद दे अबरार का सदका कैसे अली असगर का सदका आपने बीमार का सदका 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 अज खैर कदम का पा दे वे आहे सदका सहारा दे अदालाना अज खैर कदम का पा दे वे मंगा रब कोलो कुछ होर न मंगा रब कोलो कुछ होर न मंगा रब कोलो ओ मैनू लोड मदीने वाले दी ओ कुछ होर न मंगा रब कोलो मैनू लोड मदीने वाले दी कैसे जेने आन बसाया देश अरब जेने आन बसाया देश अरब मेरी उजड़ी छोक बसा दे वे आहे जेने आन बसाया देश अरब मेरी उजड़ी जोत बसा दे वे ओ कुछ होर न मंगा रब कोलो मैनू लोड मदीने वाले दी मैनू लोड जेने आन बसाया देश अरब जेने आन बसाया देश ओ मेरी उजड़ी छोक बसा दे दे अजला तो ओ दी मंगती हां किसे घर कोलो कदी मंगया नहीं किसे घर कोलो कदी मंगया किसे घर कोलो कदे मंगया नहीं किसे घर कोलो कदे मंगया नस्बत से मेरी आप नस्बत से तेरी मेरा जमाने में भरा मारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह निस्बत से तेरी मेरा जमाने में भरम है कैसा मेरे आका तेरा अंदाज़े करम है क्यों किसी गैर से मांगूं ये मुझे गवारा ही नहीं किस वास्ते गैर को देखा है ना गैरों की नजर देखी है गैर को देखा ना गैरों की नजर देखी है मेरी नजरों ने फकत तेरी नजर देखी है अजला तो ओदी मंगती हां तो
कदी मंगया नहीं किसे गैर क्यों एक करबल दे प्यासे अदा सदका करबल दे प्यासे अदा सदका ओह सब ते कर्म कमा दे